हेलो बच्चों सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन अ नैरो साउंड पल्स इज सेंट अक्रॉस अ मीडियम द पल्स हैव अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन सो बच्चों इस पार्ट ए पार्ट में हमें बोला गया है कि एक साउंड पल्स है जिसको एक मीडियम से भेजा जाता है तो क्या उस पल्स की कोई डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी सो द आंसर इज नो द साउंड पल्स साउंड पल्स विल नॉट हैव have definite frequency and wavelength, because जब कोई sound sound pulse हमारी किसी medium के क्रॉस से गुजरती है तो उसकी frequency और wavelength लेंथ में चेंज आता है जो हमारी वेलॉसिटी होती है ऑफ साउंड पल्स वी वो हमारी कांस्टेंट रहती है एंड हमारी डेफिनेट रहती है बट हमारी जो साउंड पल्स होती है वो एक वो साउंड पल्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड उसकी वेवलेंथ डेफिनेट नहीं रहती एंड इन द बी पार्ट इट आस्क कि हमारी इफ द पल्स रेट इज वन आफ्टर एवरी ट्वेंटी सेकेंड्स इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट बाय प्रोड्यूसड बाई दू वन बाई ट्वेंटी और जीरो पॉइंट हर्ड्स देखिए बच्चों हमारा बी पार्ट में बोलता है कि अब हमारी जो साउंड वेव है वो वन आफ्टर एवरी ट्वेंटी में उसकी अब जो पल्स रेट है वो वन आफ्टर एवरी ट्वेंटी सेकेंड है तो क्या उस जो नोट प्रोड्यूस करेगा क्या उसकी फ्रीक्वेंसी वन बाय ट्वेंटी या जीरो पॉइंट जीरो हर्ड होगी सो इसका भी आंसर होगा नो no. बिकॉज ये जो हमारी वन बाई ट्वेंटी या ज, इसको हम अगर बोले जीरो पॉइंट जीरो फाइव हर्ट्स ये हमारी फ्रिक्वेंसी होगी ऑफ द रिपिटिशन ऑफ विसल ना कि हमारी फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड नोट प्रोड्यूस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी विच विल नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द टाइम पल्स ऑफ द साउंड ऑफ द साउंड पल्स So I hope Bacho you understand this answer well and best of luck.